नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। गाजा पर इसराइल की बमबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। नंबर वन चैनल के इस नंबर वन शो में आज सबसे पहले बात पुतिन की तरफ से आई वार्निंग की करने जा रहे हैं। गाजा पर इसराइल के बमबारी ने अब अमेरिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। रूस ने कहा कि पश्चिम एशिया का ये युद्ध अब बाकी इलाकों तक भड़क सकता है। सवाल यह है कि क्या रूस अब ऐसी जंग की वार्निंग दे रहा है जिसमें इसराइल विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा। एक तरफ गाजा में बमबारी चल रही है, इजराइल का युद्ध गाजा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल पर हमला करने के लिए लेबनन, सीरिया और ईरान की फौज तैयार बैठी है। और तीसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड का बेड़ा इजराइल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है। यूएसएस फोर्ड यूरोप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त बमबारी के लिए तैयार रहता है। अचानक इस एयरक्राफ्ट में हरकत बढ़ गई है। फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं और इस पर तैनात स्पेशल फोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉन्च की जा सकती है। गाजा में हालात बहुत नाजुक हैं। इसराइल दिन रात बमबारी कर रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल अब अपने ऊपर हुए अटैक का बहुत बेदर्दी से बदला लेना चाहता है और यही वजह है कि उसके बम अब आम नागरिक और हमास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे। इस वक्त गाजा में जितनी भी इमारतें इसराइल की बमबारी में ढहती जा रही हैं, वहां मलबे से बच्चों और बूढ़ों की लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में गुस्सा उबाल खा रहा है। मरकज المعلومات في وزارة الصحة استشهاد 413 مواطنا منهم 78 طفلا و41 سيدة بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريح. सवाल है कि आगे क्या होगा? तो इसका जवाब है जितनी मौत होगी गुस्सा दोनों तरफ उतना बढ़ता जाएगा। पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में गाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बगदाद है और यहाँ लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। كجماهير المقاومة في العراق ننتظر فقط الأوامر التي تصدر من القيادة لكي نلبي بكل فرح وسرور ونقف صف جنبا إلى جنب مع أخوتنا في المقاومة الفلسطينية إن شاء الله. ईरान के साथ साथ लेबनन में भी गाजा के लिए समर्थन तेज हो गया है। बेरूत में फिलिस्तीन और हिजबुल्ला का झंडा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। عندنا قضية جاي ندعم اخواننا المقاومين بفلسطين المحتلة وعندنا رسالة جدا هامة للمطبعين الصهاينة وعلى رأسهم يزيد العصر محمد بن سلمان لعنة الله عليه هيدا اللي بده يبيع القضية الفلسطينية وبده يبيع دم الشهداء. लेकिन हालात तो इसराइल के अंदर भी बहुत नाजुक हैं। सैकड़ों लाशें उठाने के बाद इसराइल अब आर पार करना चाहता है और उसका टारगेट है गाजा और वहां पर मौजूद हमास के अड्डे। लेकिन इसराइल को तीन तरफ से बहुत बड़े युद्ध की धमकी आ चुकी है। लेबनन की मिलिशिया हिजबुल्ला ने कहा है कि वो इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया भी इसराइल को वार्निंग दे चुका है।
सीरिया ने अंजाम भुगतने को कहा है, तो वहीं मिस्र से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर तुर्की तक गाजा को बचाने के लिए वहां की सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है। ऐसे में बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन करके कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ है। इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया गया। अमेरिका का ये बेड़ा अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर है और इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़ी फायर पावर इसराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। फोर्थ क्लास के करियर के साथ इस बेड़े की ताकत बहुत जबरदस्त है। इसमें यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, जिसमें तिकोन देरेगा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। इसमें आर्लेक बर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं, साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इसराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनन के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है। इस वक्त ये कैरियर इसराइल के गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनन भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इसराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इसराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की ये किसी और देश के पास नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पास है, जिसकी वजह से जो अमेरिकी दुश्मन है वो लगातार थर्राते रहते हैं। अमेरिका का फोर्ड क्लास कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे CVN-78 भी कहते हैं और ये कैरियर 1,00,000 टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम वजन का है। तो देखिए कितना वजन इसमें है, यहां पर 1,00,000 टन का कम से कम यह है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की बात हम यहां पर कर रहे हैं और यह एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है और यह दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है, यानी कोई भी कोना हो वहां पर इसको आराम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर का यह इस्तेमाल करता है। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। ये एक कैरियर की बहुत अच्छी रफ्तार कही जाएगी, बहुत बढ़िया रफ्तार मानी जाएगी, यानी कहीं पर भी यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से पहुंच सकता है। और इस कैरियर पर करीब 3,000 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं, यानी कि दुश्मनों के लिए भी ये एक बड़ा टारगेट बन सकता है। और इसकी अगर आगे की बात की जाए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात यहां पर किए जा सकते हैं, यानी कि जो सैनिक है उनको तो यहां पर तैनात किया ही जा सकता है। इसके अलावा 90 विमान और इसके अंदर हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं और इनमें 75 तो सिर्फ लड़ाकू विमान है। और अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनात है और इस पर से F-35 स्टेल्थ फाइटर भी ऑपरेट कर सकते हैं और उनको पूरी तरह तैनात करने की तैयारी की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर किस टेक्नोलॉजी से ये लैस है और कैसे सुपर हॉर्नेट और F-35 लड़ाकू विमान जो है वो भी इसके अंदर तैनात किए जा सकते हैं और साथ साथ इसकी रफ्तार भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका ने इसराइल के आसपास, यूरोप और बाकी ठिकानों के आसपास फाइटर जेट तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है ताकि इसराइल पर कोई हवाई हमला न कर सके। इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है और इसराइल के हवाई अड्डे पहले से ही एक्टिव है। अमेरिका के वायु सेना से इसराइल को अब एक नई ताकत मिलेगी। इसके लिए A-10 थंडरबोल्ट विमान भी है जो नीचे उड़ते हुए टैंकों के पूरे दस्तों को खत्म कर सकता है। इस विमान को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं, जिस पर छोटे हथियारों की गोलीबारी का फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अमेरिका के F-15 से लेकर F-16 लड़ाकू विमान भी हैं, लेकिन असली ताकत जो अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए उतारी है वो है F-35 फाइटर जेट। ये वो फाइटर जेट है जो इसराइल के पास भी है, लेकिन अभी उनकी तादाद सिर्फ 40 है, लिहाजा मल्टी फ्रंट के लिए इसराइल की वायुसेना को ऐसे बहुत से विमानों की जरूरत पड़ सकती है जिसकी भरपाई अमेरिका की मदद से पूरी होगी। F-35 का करीब रहना इसराइल के दुश्मनों को दूर रखने में मदद जरूर करेगा। ये आपके सामने दुनिया का
सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फाइटर जेट F-35 है। ये फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी है। इस एक लड़ाकू विमान की कीमत 1,000 करोड़ रुपए के करीब है। ये अमेरिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट, जी हाँ, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसका साफ तौर पर मतलब हुआ ये कि रेडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। और इसकी बॉडी पर एक खास किस्म की कोटिंग होती है, जो कि रेडार तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट का रेडार, एवियोनिक्स और सभी सेंसर जो है वो बहुत मजबूत होते हैं, और इसी वजह से ये दूर से खतरे को सेंस कर लेता है। लेकिन इसके अलावा इसकी क्या खासियत है, पायलट का हेलमेट भी बहुत खास होता है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए होती है। देखिए, ये कॉकपिट है, और कॉकपिट में पायलट जब बैठता है तो एक खास तरह का हेलमेट लगाता है, जिस हेलमेट की कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इजराइल ने गाजा पट्टी को तंदूर की भट्टी में बदल दिया है। इस वक्त भी गाजा पर स्ट्राइक हो रही है, और अपनी टैंक आर्मी को आगे बढ़ाने से पहले इजराइल पूरी तरह हमास के बेस को खत्म करने में जुट गया। लेकिन सच ये भी है कि गाजा में बमबारी से आम लोगों की जान जा रही है, जिसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। गाजा पट्टी को इजराइल ने आग की भट्टी बना दिया है। पिछले 48 घंटे से लगातार गाजा पट्टी पर इजराइल के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी के अंदर से लगातार धुआं और आग उठती देखी जा रही है। एक तरफ इजराइल ने अपने मरकावा टैंकों को गाजा की तरफ रवाना कर दिया है, और दूसरी तरफ द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक गाजा पट्टी पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 800 ठिकानों पर बमबारी की है। इन हमलों के बाद पूरी गाजा पट्टी के अंदर चीख पुकार मची हुई है। जो खबरें गाजा पट्टी के अंदर से आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। गाजा पट्टी से आए वीडियो ये दिखा रहे हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। हमास की सरकार का दावा है कि गाजा पट्टी के अंदर बच्चों की मौत भी हो रही है। इस पूरे इलाके में जनाजे पर जनाजे निकल रहे हैं। लोगों के पास वक्त ही नहीं है सोचने का कि वो आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि एक धमाका होता है, इमारत गिरती है, और फिर भगदड़ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है, और फिर जनाजे उठने लगते हैं। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त यही मंजर नजर आ रहा है। عائلة شملخ كلها بالكامل انبعدت عائلة شملخ بأكملها 14 نفر تحت الرقام طلعنا 12 وما زال في تحت الرقام ضايل لحتى الآن ضايلين مش عايزين نطلعهم بدون سابق انذار قصفوا البيت بدون سابق انذار لا قالوا اخلوا لا قالوا اطلعوا ولا اشي ما فجأة اللي سمعنا صوت القصف وصرنا نجري على الدار لقيناها كلها زي ما هي الدار ये इजराइल के प्रधानमंत्री का वो गुस्सा है जो गाजा पट्टी के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। गाजा पट्टी में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इजराइल पर हमास का हमला इतना क्रूर और भयंकर था कि इजराइल के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। जिस तरह हमास ने हमला करके इजराइल के निहत्थे नागरिकों को भून डाला और महिलाओं, बुजुर्गों और इजराइल के सैनिकों को कैद कर गाजा पट्टी ले गए, अब इजराइल ने भी बेरहम हमला लेना शुरू कर दिया है। बेन्यामिन नेतन्याहू खुद इस पूरे हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। रविवार के दिन नेतन्याहू की दो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ये नजर आया कि नेतन्याहू इजराइल की एयरफोर्स के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और गाजा पट्टी के अंदर हो रही बमबार्डिंग पर पूरी नजर और निगाह रखे हुए हैं। गाजा पट्टी के अंदर अब मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स पहले ही ये कह चुकी है कि ये जंग हमास ने शुरू की है, इसलिए गाजा के अंदर गिर रही हर लाशों का जिम्मेदार हमास है।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू राष्ट्र के नाम संबोधन के वक्त पहले ही ये कह चुके थे कि अब गाजा पट्टी के लोग कहीं और चले जाएं, क्योंकि वो हमास के आखिरी आतंकी को तलाश करेंगे, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נקה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. लेकिन जहां पर 20 लाख की घनी आबादी हो और जो जगह पूरी तरह से नाकाबंदी में घिरी हो, जहां से बाहर निकलने के भी सिर्फ दो दरवाजे हो और वो भी टोल गेट जैसे, ऐसे दुनिया के बड़े कैदखाने से निकलकर भाग पाना कोई हंसी खेल नहीं है। दुनिया गाजा पट्टी को एक खुली हवा वाला कैदखाना कहती है। गाजा पट्टी सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर के साथ 363 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। गाजा पट्टी का वो बॉर्डर जो इसराइल से मिलता है, वो बॉर्ब वायर और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के जरिए सुरक्षित एक अभेद्य सीमा की तरह नजर आता है। गाजा से बाहर निकलने के लिए दो गेट हैं। पहला गेट इसराइल की तरफ खुलता है और गाजा का दूसरा गेट इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप की तरफ खुलता है, जहाँ पर इसराइल का नियंत्रण ज्यादा है और इजिप्ट का कम। मैं इस वक्त इसराइल में मौजूद हूं और इसराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से गाजा पट्टी 90 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजा पट्टी से ही हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घनी इंसानी आबादी वाले इलाकों में से एक है, जहां सिर्फ एक किलोमीटर के दायरे में 5,500 लोग रहते हैं। यहां पर बिजली, पानी और खाने पीने के सामान की सप्लाई इन्हीं गेट से होती है। लेकिन अब इसराइल की लीडिंग न्यूज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह कहा है कि इसराइल के ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि गाजा के अंदर पानी, बिजली, ईंधन और खाने पीने की सप्लाई को काट दिया जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए जीवन का बहुत संकट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसराइल ने गाजा के 20 लाख लोगों को नाकाबंदी करके घेर लिया है। अनुमान है कि गाजा के अंदर 14,44,000 लोग शरणार्थी कैंप्स में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा की 65% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। गाजा में 50% लोगों की उम्र 19 साल से कम है। गाजा की 3/4 भूमि खेती योग्य है। 16 साल की नाकेबंदी की वजह से गाजा के अंदर बेरोजगारी की दर 40% तक है। गाजा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों का 10वां हिस्सा सामान्य परिस्थितियों में छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए हर दिन इसराइल की यात्रा करता है, जहां उन्हें रात भर रुकने की अनुमति नहीं है। 1948 में इसराइल के निर्माण के बाद अगले दो दशकों तक गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा रहा, लेकिन 1967 में इसराइल का सिक्स डे वॉर में अपने अरब पड़ोसियों पर जीत के बाद अगले 38 सालों तक गाजा पट्टी पर इसराइल ने अपना नियंत्रण बनाए रखा। अपने नियंत्रण के दौरान इसराइल ने गाजा पट्टी के अंदर भी 21 यहूदी बस्तियों का निर्माण किया था, लेकिन साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव के तहत इसराइल ने गाजा से लगभग 9,000 इसराइली निवासियों और अपनी आर्मी को गाजा पट्टी से वापस बुला लिया था, जिससे इस इलाके पर फिलिस्तीन का राज हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा इलाका हमास का गढ़ बन गया। हमास ने अब इसराइल पर बहुत क्रूर हमला किया है, जिसके बाद यहाँ इसराइल के हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। مركز المعلومات في وزارة الصحة استشهاد 413 مواطنا منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريح منهم 213 طفلا و 140 سيدة كما رصد مركز المعلومات في وزارة الصحة الانتهاكات الإسرائيلية بحق عوائلنا
दरअसल इसराइल गाजा पर इतने भीषण हवाई हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से हमास की ताकत को खत्म करना चाहता है। क्योंकि अगर इसराइल गाजा के अंदर अपने टैंक ले जाता है तो फिर ये जरूरी है कि अपने टैंकों को बचाने के लिए पहले गाजा पट्टी के सारे हमास के ठिकाने नष्ट किए जाएं, क्योंकि हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इसराइल के टैंकों को बड़ा खतरा भी हो सकता है।